एक साल पूर्व राज्य सरकार की ओर से डीजल पर थोक सब्सिडी समाप्त कर देने के कारण राजस्थान रोडवेज के बंद हुए पेट्रोल पंप एक बार फिर से इस साल शुरू हो गए। अब सरकार द्वारा निजी पेट्रोल पंपों की कीमतों के बराबर कीमत में रोडवेज को डीजल उपलब्ध करवा दिए जाने के कारण रोडवेज की बसें स्वयं के पंपों से ईंधन भरवा रही है, जिसके कारण निगम को पूर्व बसों में निजी पेट्रोल पंपों तक जो जाने का व्यय होता था, डीजल के भार से अब जो निजात मिलने वाली है उसके लेकर सभी में खुशी है। और व्यापार आगार के जो प्रबंधक है संचालक राकेश उचेनिया, उन्होंने कहा है कि सरकार की ओर से राजस्थान रोडवेज को इसी माह में बाजार रेट के बराबर ही डीजल उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद रोडवेज बसों में स्वयं के पंपों से ही ईंधन भरा जा रहा है। मालूम हो कि एक साल पूर्व सरकार की ओर से थोक में डीजल पर मिलने वाली 14% सब्सिडी समाप्त कर दिए जाने के बाद राजस्थान रोडवेज के सामने भारी संकट खड़ा हुआ था, जिसके चलते रोडवेज को आर्थिक भार से बचने के लिए बाहरी पेट्रोल पंप से डीजल भरवाना पड़ रहा था। लेकिन सरकार द्वारा पुनः बाजार रेट पर डीजल उपलब्ध करवाने के बाद एक साल से बंद पड़े रोडवेज के पेट्रोल पंपों से बसों को ईंधन मिलना शुरू हो गया। राजस्थान रोडवेज की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर पूर्व में जैसा कि पिछले एक साल से डीजल स्थानीय बाजार से क्रय करके वहीं भरवाया जा रहा था, जो कि अभी पिछले महीने से पुनः अपने जो डिपो के अंदर स्थित पंप है उसी से भरना चालू कर दिया है। जिसका मेन कारण ये है कि भाई अब हम अपने को जो डीजल है, डीजल की जो रेट है वो कम हो गई, मार्केट रेट की तुलना में कम पैसे में मिलने लग गया है, इसलिए अपन ने पुनः यहीं से भरना डीजल में मतलब शुरू कर दिया है।